स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पल के सक्षण आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत एक बदमाश को गोली लगी है, लेकिन वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब भी रहा। आपको बता दूं कि एक पुलिस वाले की भी गोली लगी है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, साथ ही साथ दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब भी रहा। मौके पर एक दारोगा को भी गोली लगी है। घायल दारोगा और बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और मौके पर मौजूद पुलिस टीम फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। पुलिस की कॉम्बिंग भी जारी है। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के हथनी कुंड बैराज पुलिस चौकी की यह घटना बताई जा रही है। सर, आज थाना मिर्जापुर क्षेत्र में कोई मुठभेड़ हुई है सर, इसके बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ये आपको सही जानकारी है, ये अभी शाम को लगभग 6 बजे की घटना है। अफजल उर्फ नाफी सनफ हाशिम, ये बेहट क्षेत्र का रहने वाला ये अपराधी था। और आपको ध्यान होगा कि अभी लगभग 2-2.5 महीना पहले ये लोकल यूनिवर्सिटी में कोविड पॉजिटिव के रूप में इलाज करा रहा था और वहाँ से ये भाग गया था। उससे पहले भी इसको एक इनामी के रूप में थाना चिकाना ने गैंगस्टर में वांछित तक से वहाँ से इसको पकड़ के भेजा था, परंतु कोविड के कारण इसको ग्लोकल हॉस्पिटल में रखा गया था। वहाँ से सितंबर के महीने में भाग गया था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम थाना मिर्जापुर पर घोषित हुआ था। तो इसको पकड़ने में आज हथनीकुंड क्षेत्र में थाना मिर्जापुर की पुलिस और जनपद की जो क्राइम ब्रांच है SOG है, इन्होंने सफलता प्राप्त करी है। और इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर के भी जो है चोट आई है। ये बदमाश अपने एक दोस्त के साथ में मोटरसाइकिल पर जा रहा था और जब पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान इसको रोका गया, इन्होंने पुलिस पर फायर किया है। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जब जवाबी फायरिंग करी तो उसमें एक बदमाश तो मौके का फ़ायदा उठा के अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया और ये अफजल उर्फ नाफी ये पुलिस के हाथ लग गया है। इसके पाँव में जो है चोट लगी है और इस रूप में पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान में इसको लिया गया जहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। सर, इसमें कोई पुलिस वाले भी हताहत हुए सर? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, एक पुलिसकर्मी एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनके हाथ में जो है इसके द्वारा जो फायर किया गया था उससे चोट लगी, परंतु खतरे से बाहर। इस खबर में सत्ताई देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।